दर्शकों, जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, ऐसे में दो धड़े अलग अलग बटे हुए दिख रहे हैं। विपक्ष ने जिस तरह से लामबंद होते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि वैक्सीनेशन और दुनिया भर के जो तमाम हिलावालियां चल रही हैं उस पर सरकार गंभीर हो, लोगों को फ्री वैक्सीन दे। दूसरा खेमा है जो भाजपा को सपोर्ट करता है, प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करता है, उनके कामों को सपोर्ट करता है। तो जो विपक्ष का खेमा है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो पक्ष का खेमा है उसका एक बड़ा चेहरा है एक्टर अनुपम खेर का। एक्टर अनुपम खेर, आप जानते हैं कि अक्सर जब भी जिसने भी केंद्र सरकार या सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, बयान दिया, ट्वीट किया या कोई भी ऐसी बात कही जो नागवार गुजरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शख्सियत को, तो ऐसे शख्स के रूप में अनुपम खेर सामने आए जब उन्होंने सीधा हमला किया और लोगों के सामने मोदी के लिए एक ऐसा चेहरा बन गए जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के वजूद पे सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देने वाले अनुपम खेर आज खुद सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार पर। जी हाँ, ये एक ऐसी खबर है जो खुद अनुपम खेर के फॉलोअर्स हों या प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स हों या देश भर में मोदी के अपोजिशन में खड़े होने वाले लोग हों, उन्हें भी हैरान कर रहा है कि अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इतना दिग्गज कलाकार जो भाजपा और प्रधानमंत्री का फॉलोअर है, उनका वेल विशर है और समय समय पर उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला है, वो आज इतनी कड़वी बातें क्यों कह रहा है। उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात की और जब पत्रकार ने सवाल किया कि आज जो देश का हालात बना हुआ है, जो जिस हालात में लोग रह रहे हैं, ऑक्सीजन बेड, इलाज, वैक्सीन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसे में क्या उन्हें दुख होता है, मीडिया के इस सवाल पर बड़े ही खुले मन से अनुपम खेर ने जवाब दिया और कहा कि इमेज बिल्डिंग को सुधारने का समय है, आप अपनी इमेज मत बनाइए। ये उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार को कहा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा। इसके साथ ही एक और जवाब उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यह वह समझने का वक्त है कि जब अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, ऐसे में हम दावे क्यों कर रहे हैं, ऐसे में हमें समझना होगा कि देश गुस्से में है। उस गुस्से की आड़ में जो एक सरकार के खिलाफ एक माहौल है, उसे भी केंद्र को समझना होगा, सरकार को समझना होगा, या यूं कहें तो दबी जुबान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को समझना होगा। तो ऐसा अचानक रातों रात क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के बेहतरीन सिपहसालार माने जाने वाले अनुपम खेर का हृदय परिवर्तन हो गया? क्या उन्हें ये जो टीवी पर तस्वीरें आ रही हैं या जो मंजर दिखाई दे रहा है देश का, उसने उनके हृदय को बदल दिया है? मीडिया में भी सुर्खियां बनी हुई है, भाजपा, कांग्रेस और तमाम दलों में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या अब वक्त आ गया है कि अब जो आंखों पर चश्मा है उसे उतारा जाए और जो असली रंग है हिंदुस्तान का उसे देखकर अपनी राय कायम की जाए। आप भी सोचिए, समझिए और देखिए कि जो हालात देश के बने हुए हैं उसमें कितना जायज है सरकारों का ये दावा करना कि वैक्सीनेशन हो रहा है, लोगों की जान बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। ये तब हो रहा है जब गंगा में लाशें भी बह रही हैं और शर्मसार कर रही हैं करोड़ों करोड़ लोगों को कि क्या इसी दिन के लिए हमने सरकारों को चुना, इसी दिन के लिए हमने इस देश का निर्माण किया था कि जब एक वैक्सीनेशन नहीं बना पाएंगे हम, तो दावा करेंगे कि ये डिजिटल इंडिया है और चांद पर जाने के लिए हम चंद्रयान बना रहे हैं और तमाम तरह के डिजिटल इंडिया के दावे कर रहे हैं। सोचिए आप। नमस्कार।